सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बेफिक्रे में रणवीर, हाफ गर्लफ्रेंड में अर्जुन और फितूर में आदित्य, तीन बड़ी फिल्मों से ऐसे हटाए गए थे सुशांत। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सामने आ रहा है कि उनके करियर पर किस तरह से सुनियोजित ढंग से ग्रहण लगाया जा रहा था। केवल 6 महीने में ही एक के बाद एक करके उनसे 7 फिल्में छीन ली गई थी। एक उभरते हुए अभिनेता के लिए ये काफी बड़ा झटका था। अब हमें उन तीन बड़ी फिल्मों के बारे में पता चला है जिनमें सुशांत सिंह राजपूत को लिए जाने की चर्चा थी, लेकिन बाद में नेपोटिज्म और गुटबाजी के कारण अन्य सितारों की झोली में चली गई। सबसे पहले बात हाफ गर्लफ्रेंड की, जो मई 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने काफी अच्छा कारोबार किया था और इससे अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट को अच्छी खासी चर्चा मिली थी। दोनों ही बॉलीवुड के प्रभावशाली परिवारों से है। खुद चेतन भगत ने 2015 में ट्वीट करके कहा था कि सुशांत उनकी पुस्तक पर आधारित फिल्म में लीड अभिनेता होंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी जगह बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर को ले लिया गया। इसके बाद बात करते हैं फितूर की, जिसमें अजय देवगन ने गेस्ट रोल भी किया था। इसमें भी आदित्य राय कपूर ने लीड रोल निभाया, लेकिन क्या आपको पता था कि इससे पहले इसमें सुशांत सिंह राजपूत को लिए जाने की चर्चा थी। बाद में खबर आई कि आदित्य को सुशांत की जगह ले लिया गया है। बता दें कि आदित्य राय कपूर यूटीवी के मालिक सिद्धार्थ राय कपूर के भाई और विद्या बालन के देवर हैं। वो भी पावरफुल परिवार से आते हैं। तीसरी बड़ी फिल्म जो उनसे छीन ली गई वो है यशराज फिल्म्स की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक थी। निर्देशक खुद आदित्य चोपड़ा ने किया था। बेफिक्रे के अलावा उन्होंने अब तक DDLG, मोहब्बतें और रब ने बना दी जोड़ी का निर्देशन किया था और सब में शाहरुख खान ही थे। बेफिक्रे में एन वक्त पर सुशांत की जगह रणवीर सिंह को ले लिया गया। फिल्म ने कमाई भी अच्छी की और मीडिया द्वारा उन्हें पूरा अटेंशन भी मिला था।